लाइट्स ऑफ कर देती हूँ मैं, वो आने वाली है। अरे नहीं है यार। सोचो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अचानक से पीछे से कोई भूत आके बोले हेलो। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई टॉर्चर करता है, इतनी छोटी सी जगह है। ये हिल रहा है, ये तो हिल रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ महजबीन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने ही घर में एक सीक्रेट हाउस। तो ये सीक्रेट हाउस समरीन ने भी पहले बनाया था, उसे ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढा था। लेकिन आज जब मैं बना रही हूँ तो समरीन को ही ढूंढना है और देखते हैं कि वो ये सीक्रेट हाउस इस घर में ढूंढ सकती है या नहीं। अभी पता है मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है कि मैं कहाँ मतलब बनाऊँ सीक्रेट हाउस अपना, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे मैं बना सकूँ बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सोचा है, तो चलो वहाँ मैं बनाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समरीन एक बार में ही ढूंढ लेगी मुझे। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ बनाने वाली हूँ सीक्रेट हाउस अपना। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे घर के स्टोर रूम में, और ये जगह मैंने इसलिए चूज करी है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी छुपने की जगह नहीं है और यहाँ कोई आता भी नहीं है। और समरीन को पता है अच्छे से कि मैं इस स्टोर रूम में बिल्कुल भी नहीं आती, और क्योंकि अभी आजकल ना इस स्टोर रूम में छिपकली घूम रही है, मुझे खुद डर लग रहा है कि अगर मैं ना कहीं पे भी जगह बनाऊंगी वहां पर ना आ जाए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार कि ये जगह सबसे अच्छी है तो यहीं छुपूंगी मैं, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। बालकनी में भी मैंने देखा था लेकिन वैसी जगह नहीं बन पा रही, वो मुझे यूं चुटकियों में पकड़ लेगी वहां पे। तो यहाँ पे ना ये टेबल है और टेबल के ऊपर ना सारा सामान रखा हुआ है, ऐसे ही बैग वैग है कपड़ों का। और यहाँ पे वो है आयरन टेबल, तो उसके नीचे जो है ना थोड़ी सी जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। बिल्कुल छोटी सी जगह है, उसमें उसको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि यार नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है इसके। अल्लाह मुझे तो अभी डर लग रहा है वो पीछे विंडो से कोई देख ना ले मुझे, कोई नहीं जाता उधर। तो सबसे पहले ना मैं नीचे ये बिछा लेती हूँ क्योंकि मैं वैसे जमीन पे तो बैठूंगी नहीं, और यहाँ पे मकड़ी होगी तो मर जाऊंगी मैं उसी टाइम पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे मुझे लाइट्स ऑफ करके रहना होगा क्योंकि यहाँ की लाइट्स ऑफ होती है हमेशा, अगर मैंने ऑन करी तो उसको पता चल जाएगा। चलो मैंने नीचे बिछा दिया, अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ मैं। तो यहाँ पर तो बहुत ही कम जगह है और इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा सामान भी नहीं ठूस रही क्योंकि यार छोटा है, तो फिर उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे सामान भी रखना पड़ेगा। तो मैं ना ये लेकर आई हूँ रिंग लाइट छोटी वाली, ताकि यहाँ पे अंदर में लाइट हो, और गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो ऊपर से जो है ना, मैं इसको ऐसे करके और इसके अंदर डालकर ऐसे ढक दूंगी और ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, इससे पता नहीं चलेगा कि ये मतलब अलग अलग है। वाओ ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं ये सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा लग रहा है, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और मैं बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो रही हूँ। इसके अंदर बस मेरे पास बैठने तक की जगह है, ना मैं लेट पाऊंगी ना कुछ। समरीन का घर इतना अच्छा था, मैंने जगह भी तो ऐसी चुनी है ना, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं, मेरा घर घर, मेरा घर झोपड़ी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं अपने रूम में लॉक हो गई हूँ और मुझे लॉक कर दिया गया है, और जैसे मैंने किया था। तो यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर वो रूम बन रहा होगा, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी साथ कोई गलती नहीं कर सकती, मुझे एक बार में जाकर पता कर लेना कि यहाँ पर है। लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा कि एक बार तो मैंने अपना सीक्रेट रूम बना लिया है, उसके बाद अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर होगा या बन सकता है रूम। तो यार मैं इतनी देर से तो यहीं बैठकर यही आइडिया लगा रही हूँ कि कहाँ पर होगा, और बस अब जल्दी से देखो कब मुझे बुलाती है वो, और फिर मैं जाकर देखूंगी कि कहाँ पर है, पूरे घर में ढूंढूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ उसको ऊपर से ये करने, उसके बाद मैं ना ये ऊपर से ये लगा दूंगी और इसके ऊपर आयरन करने के लिए कपड़े वपड़े रख दूंगी ताकि शक न हो, क्योंकि ये टेबल ही हुई है। तो इसलिए इसको तो अभी मैं ऐसे ही नीचे कर देती हूँ ताकि वो उधर से अगर खोले इस चीज को तो मैं ना देखूं। मैं बहुत दिमागदार हूँ, मेरे अंदर दिमाग की बिल्कुल कमी नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? इतना दिमाग है मेरे पास कि अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं नहीं बताऊंगा। ये देखो आप, मैंने इसको इतनी ऊंची कर दी है ताकि इसको दूर से लगे कि कोई है नहीं इसके अंदर। और ये देखो ये इधर की साइड से ना ऐसे है, और आपको पता है मैंने ये जगह क्यों चूज करी है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे बालकनी है और समरीन बिल्कुल भी नहीं आती यहाँ पर, कितना डर लगता है क्योंकि इधर कोई है नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकंड फ्लोर पे कोई भी नहीं है, अजीब सी आवाज भी आती रहती है, तो मुझे खुद डर लगता है यार मेरा क्या होगा। सच में मुझे तो भाई भूतों के नाम से मेरी हालत खराब हो जाती है। फालतू बकवास मैं कर रही हूँ बहुत टाइम से, अब मैं सीधा अंदर मिलती हूँ आपसे। मैंने ना बाहर की लाइट्स ऑफ कर दी है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, और मैं अभी बाहर का काशिफ से रिकॉर्ड करवाऊंगी बाहर का कि कैसा लग रहा है अभी बाहर मैं अंदर हूँ, तो वो आपको दिखाती हूँ मैं। और जरा मैं ये सब तो ऑन कर लूं ताकि मुझे थोड़ी अच्छी फीलिंग तो आए, यार यहाँ पे तो कुछ अच्छा है ही नहीं, ये चीज अच्छी है।
और ये मिलो मेरी बिल्ली, एक मेरी बिल्ली मेरे साथ है, काश ये असली होती तो उसको मैं अपने पास रखती यार। ऐसा लग रहा है मैंने सीक्रेट हाउस नहीं हॉन्टेड हाउस बनाया है। खाने वाने की चीजें मैंने लिए कराई, इतनी कम जगह, ऊपर से इतनी गर्मी में मुझसे नहीं खाया पिया जाएगा, तो मैं अपने लिए बना रहा हूं ड्रिंक। तो मैं आपको मेरा छोटा सा मिनी से भी मिनी वाला घर दिखाती हूँ। सोचो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अचानक से पीछे से कोई भूत आके बोले हेलो। पहले मैं अपने लिए कुछ लगा लूँ देखने के लिए, नहीं इसको पहले कॉल कर देती हूँ। हाँ हेलो, चलो अब ढूंढने आ सकती हो तुम। हाँ फाइनली यार, इतना टाइम लग रहा है, क्या बना रही हो, रूम बना रही हो या पूरा बंगला बनाना है? बिल्डिंग बन रही है, ऊंची है बिल्डिंग। चलो ठीक है, चलो अब जल्दी आओ और दिखाओ मुझे ढूंढ कर, ढूंढ सकती हूँ। अरे वो तो अभी मैं यही बैठ कर समझ रही हूँ कि तुम कहाँ बनी हो, कहाँ तुम्हारा घर बनाऊंगा। ठीक है ढूंढ कर दिखाओ, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, देख लेना। अच्छा चलो 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 आओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। तो मैंने स्टोर रूम का जो गेट है, मतलब इस वाले रूम का मैंने गेट वेट सब कुछ लगवा दिया, लाइट वाइट सब कुछ बंद है। तब तक मैं क्या करूँगी, तब तक मैं कुछ देख ही लेती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि दुश्मन की मुझे अभी कॉल आई थी और उसने बोला कि डॉन को पकड़ने के लिए आ जाओ, तो मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल, और देखते हैं कि अभी क्या होता है। चलो अब चलते हैं जल्दी से और ढूंढते हैं वो जगह। ऐसी भी कहाँ छुपाई होगी यार, कहाँ पे बनाया होगा, घर ही है और वो भी मेरा घर है, किसी और का घर तो है नहीं, तो मुझे तो पता ही होगा। चलो चलो चलते हैं और ढूंढते हैं। तो अभी मैं अपने भाई के रूम में जाकर देखती हूँ सबसे पहले कि वहां पर वो है या नहीं है। क्या ये अलमीरा खुली हुई है, एक मिनट इधर आओ इधर आओ, कहीं पहली बार में तो नहीं पकड़ लिया। अरे यार यहाँ पर सब कुछ ऐसा खुला खुला है कि दिख जाएगा अगर कोई भी कुछ घर या कुछ बनाएगा तो, यहाँ पर तो नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई टॉर्चर कर रहा है, इतनी छोटी सी जगह है यार, मैं कैसे रह रही हूँ, मेरी कमर टेढ़ी हो गई है यार। यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अब मैं वहां जाकर देखती हूँ जहाँ पर मैंने अपना रूम बनाया था। पहले तो लाइट ऑन करो यहाँ की, मुझे लगता है कि यहाँ पर बनाया होगा क्योंकि वो इतनी तो वो है नहीं। अगर जहाँ पर मैंने बना लिया उसे समझ आ जाएगा कि मैं वहाँ पर क्यों बनाऊंगा। वैसे यहाँ पर तो बिल्कुल सब खुला खुला सा है यार, यहाँ पर तो कुछ बन ही नहीं सकता। मैंने उसे इस टेबल से ही उल्लू बनाया था और ये टेबल देखो कितनी खुली खुली है आज। चलो यार बालकनी में चले, पहले तो चलिए लाइट्स ऑन कर लेती। यार यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं पर ऐसी जगह लगी नहीं रही कि वो होगी, छुपी हुई है या नहीं, कहाँ छुप के बैठ गई यार। ये जिस रूम में मैं गई थी वहां पर तो वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो पापा हैं, और अगर मैं जाती और कुछ दिखता मुझे तो मैं देख ही लेती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कोई तो जगह बची ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं हुई तो लाइट्स ऑफ कर देती हूँ मैं, वो आने वाली है। और मैं यहाँ पर क्यों नहीं आई थी क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो, उसे इतनी हिम्मत है जो वो यहाँ छुपे। यार इसको पहले ऑन करो। यहाँ पर हमारे इस रूम में आजकल बहुत सारी छिपकली आ गई है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में सोचा था कि यहाँ पर आऊंगी क्योंकि मुझे अब यहाँ पे भी नहीं लग रहा कि वो यहाँ पर है। ओह मिल गया देखो देखो, कहीं इसके नीचे तो नहीं, कहीं क्या इसके नीचे। अरे नहीं है यार, मैं तो बिल्कुल वो हो गई थी कि यहीं पर होगी क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है बिल्कुल वैसा कि मतलब नीचे रूम बनाया हो मेरी जैसा। यार पता नहीं कहाँ पर है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, ना उधर है ना इधर है, ना उधर है ना बालकनी में। ये तो सीक्रेट रूम था, मैं कब से हाउस हाउस कह रहा थी। बता दो थोड़ी हिंट दे दो कहाँ पर है, कुछ तो समझ आया, वरना मैं ये नहीं हारना चाहती मैं ये चैलेंज। ढूंढ लो कहीं पे मिल जाएगी। नहीं मिल रही ना, कहीं पे भी नहीं मिल रही। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। थोड़ा क्या, बहुत दिमाग लगा है यार। अरे यार मुझे अभी याद आया स्टोर रूम की बात तो देखी नहीं मैंने, चल चलो आओ जल्दी आओ। डर नहीं लगेगा उधर जाने पे? ओ यार ये हिल रहा है, ये तो हिल रहा है भाई, ये मुझे लगा था, मैं समझ गई थी इसके अंदर ही होगी। एक मिनट भाई, ये सब भी रख रखा है खाने पीने का सामान, रुक जा। No, God, please, no! यार कैसे सकता है ऐसा, मैंने तो यहाँ पर आकर देखा था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था।
और मैं तो अंदर जा रही थी बालकनी में चेक करने के लिए, अच्छा वो वहाँ भी नहीं गए, यहीं पर मिल गए। बहुत मुश्किल था ये, मुझे लग रहा है तुम्हारे वाले से भी ज्यादा मेरा ये मुश्किल था। आप ही लोग बताना कि समरीन का ज्यादा डिफिकल्ट था या फिर मेरा था। और सबसे बड़ी बात, और ये वैसे भी एक स्टोर रूम नहीं, ये एक हॉन्टेड रूम है। हाँ, ये हमारे लिए हॉन्टेड है। और हाँ, यहाँ पर बिल्कुल बालकनी है भाई। पता यार थोड़ी देर पहले ना जब यहाँ पर मैं सेटअप कर रही थी ना, तो मेरी नजर उधर चली गई, ऐसा लग रहा था कोई मतलब भूत भूत देख रहा है उधर से। सच में छोड़, अगर मैं उसी टाइम पकड़ लेती तो कितना अच्छा रहता यार। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, मैंने पकड़ लिया। तो जैसे कि मैं हमेशा से विनर रही हूँ, आज भी मैं ही हूँ इस चैलेंज के विनर। जी हाँ, तो यहीं पर खत्म होता है हमारा ये चैलेंज। और आप बताना कि मेरा सीक्रेट रूम आपको कैसा लगा। मैंने भाई बहुत मुश्किल से वहाँ पे वक्त बिताया है अपना, और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत भी करी है। इतनी गर्मी में मैं इतनी देर तक थी उसके अंदर। अब आप लोगों को इस मेहनत का फल देना है। फल वो देंगे लाइक करके। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो जल्दी से जाओ और आईडी जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जाकर हमें फॉलो करो। तो अब हम दोनों मिलेंगे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।